वेलकम टू मित्राज़ आई और आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप के बीच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ये रिलेशन डेवलप हो रहा है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके बाद कई एग्रीमेंट्स भारत और फ्रांस के बीच में साइन हुए और ये रिलेशनशिप एक नई ऊँचाई तक बढ़ते जा रहा है तो इसीलिए ये आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ द टॉपिक आई एल आस्क योर क्वेश्चन और ये इसी क्वेश्चन को एट द एंड ऑफ द टॉपिक आई टेक अप अगेन सो यू हैव टू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एंटायर टॉपिक तो क्वेश्चन है इंडिया एंड फ्रांस आर सेलिब्रेटिंग ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशन्स What benefits India can derive out of this relationship, and how it can help India to take its place in global order? ये सवाल है ध्यान में रखिए सवाल को और इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं और एंड ऑफ द टॉपिक आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन। सो सबसे पहले एज ए टोल्ड भारतीय प्रधानमंत्री बेस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर पार्टिसिपेट किया उन्होंने बेस्टल डे फ्रेंच uh, हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है जब बेस्टिल प्रिजन को स्टॉम uh, किया गया और प्रिजनर्स को रिलीज़ करवाया गया और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा गिना जाता है प्रधानमंत्री को uh, इस इवेंट के बाद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर लेजियन ऑफ ऑनर दिया गया विच इज़ द हाइस्ट स्टेट ऑनर ऑफ फ्रांस जो प्रेजिडेंट इमान्यूअल मैक्रॉन ने खुद दिया तो ये हुआ क्यों क्या Uh, पहले एक दो दिन में क्या चीज़ें हुई बट अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटकम ऑफ द विजिट को समझना और उसके बाद हम रिलेशनशिप के सिग्निफिकेंस बैकग्राउंड में जाएंगे नाउ लेट्स गो इन टू वट वर द मेजर आउटकम्स ऑफ द विजिट क्या मेजर आउटकम्स थे एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन 2047 फोर्टी सेवन एग्रीमेंट वॉज साइंड जैसे नाम से पता चल रहा है 2047 फोर्टी सेवन एक्चुअली ईयर तक भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप को इस लेवल तक मजबूत करें ताकि उस टाइम तक हम नियरली 50 इयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप हो और 2047 में भारत 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा और अमृतकाल का पीरियड होगा ये हराइजन uh, 2047 ट्वेंटी फोर्टी सेवन थ्री पिलर्स के ऊपर uh, स्थित है थ्री पिलर्स बेसिकली तो ये पिलर्स हैं पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सवेरेटी राइट दूसरा है पार्टनरशिप फॉर द प्लान एंड तीसरा है पार्टनरशिप फॉर द पीपल ये मेजर एस्पेक्ट था इस यू नो आउटकम इस विजिट का सेकेंड रोड मैप साइन हुआ टू कोऑपरेट बिटवीन बोथ द कंट्रीज ऑन इंडो पैसिफिक रीजन एज यू नो फ्रांस का एक रीजन uh, है यूनियन आइलैंड जो सर्दर्न uh, पैसिफिक uh, में सदर्न इंडियन ओशन में है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोपरेशन uh, है इंडो पैसिफिक रीजन पर जो दोनों कंट्रीज़ करेंगे बी थ्रू नेवल एक्सरसाइजेज और यू नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या पार्टनरशिप विद रिस्पेक्ट टू नेवीज़ के uh, साथ मिलके इंडिया ऑल्सो हैज़ फाइनलाइज डील टू बाय रफेल एम वर्जन एम वर्जन मतलब मरीन वर्जन है और ये नेवी के लिए ख़रीदा जाएगा और भारत ने ये शॉर्ट लिस्ट करके इसको गो दिया है तीन नई स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स भी खरीदी जाएंगी इनफैक्ट uh, दोनों मिलकर बनाएंगे और ये जो सबमरीन्स होंगी डीआरडीओ uh, और साफरान मिलकर बनाएंगे और इनफैक्ट uh, जेट इंजन्स भी दोनों डेवलप करेंगे एक साथ तो ये था आउटकम्स ऑफ द विज़िट अगले बैकग्राउंड ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप पर जाएंगे ट्रेडिशनली दोनों देश 1998 से स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में है 1998 एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है जब बहुत कंट्रीज़ भारत को अपोज कर रही थी उनका पोखरान टू न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद बट फ्रांस एक चुनिंदा देशों में था जिन्होंने भारत को के अगेंस्ट सैंक्शंस नहीं लगाए बट सेम ईयर उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भारत के साथ बनाया और ये विजिट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट 25 फाइव ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज ओके एरियाज ऑफ न्यूक् डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है स्पेस कोऑपरेशन और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में दोनों देश मिल काम कर रहे हैं पिछले 25 सालों से तो डिफेंस जो हम देख ही पा रहे हैं रफेल फाइटर्स भारत ने लिए और सबमरींस बनाना और कई और इक्विपमेंट्स भारत ने जो है इवन एयरबस के कई कार्गो कैरियर्स हैं वो भारत ने एक्वायर किए हैं फ्रांस से स्पेस कोऑपरेशन में भारत इनफैक्ट अपने हेवी सैटेलाइट्स एरियन जो है उनका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि फ्रेंच गयाना में स्थित है वहाँ से लॉन्च करता आया है इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भारत को uh, जो है वन ऑफ द इनिशियल जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुए हैं यूएस से भी पहले फ्रांस के साथ हुआ जहाँ जैतपुर में जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है वहाँ एक फ्रांस न्यूक्लियर प्लांट बनाए बनाएगा भारत के साथ पार्टनरशिप में भारत और फ्रांस हैव इंक्रीजिंगली इन इन न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी द इंडो पैसिफिक काउंटर टेररिज्म क्लाइमेट चेंज रेन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम देखें इंडो पैसिफिक रीजन में री यूनियन आइलैंड है जो फ्रेंच टेरिटरी है तो इसीलिए दोनों कंट्रीज इंडो फ्रेंच रीजन पर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं काउंटर टेररिज्म में हमेशा फ्रांस ने भारत का साथ दिया है कोई भी रेजोल्यूशन जो भारत ने प्रस्तुत किया क्लाइमेट चेंज पर भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी सहमति रही है भारत और फ्रांस के बीच में रेन्यूएबल एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपको आ, मतलब एक रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोनों देशों ने मिलकर शुरू की थी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कंटिन्यूस बातचीत चलती रहती है दोनों देशों पर इंडिया एंड फ्रांस सपोर्ट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वो यूनिपोलर या बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे पर दोनों देश मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि कई uh, छोटे देश मीडियम साइज देश की भी व्यू पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए ग्लोबल ऑर्डर पर और एक या दो कंट्रीज ग्लोबल गवर्नेंस या ग्लोबल uh, डोमिनेशन ना क्रिएट करें बट बट एक छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ एक मल्टीपोलर uh, मतलब सबको साथ ले के ग्रोथ ग्लोबली uh, हो उनके आवाज़ सुनी जाए ये दोनों ने हमेशा से सपोर्ट किया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भारत और फ्रांस है रोबस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में ट्रेड काफ़ी uh, समय से अच्छे तरीके से uh, चल रही है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इकोनॉमिक

तो स्ट्रैटी uh, ऑटोनमी को प्रमोट करता है uh, जो है ये रिलेशन राइट right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का सिग्निफिकेंस जो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप फ्रेंच सपोर्ट आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट जो मैंने बात की 1998 में जब पोखरान टेस्ट किए गए तो उसके बाद फ्रेंच uh, ने जो सपोर्ट दिया वो एक इतना इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि ग्लोबली सब ने कंडेम किया बट फ्रांस एक चुनिंदा देशों में था जिन्होंने भारत को सपोर्ट किया इसीलिए भारत जानता है कि कल को कोई भी स्थिति में फ्रांस उसको सपोर्ट करेगा इसीलिए बहुत सिग्निफिकेंट है ये रिलेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पिछले 25 साल से अब ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप चल रहा है दोनों देशों में और आगे आने वाले टाइम में भी और ट्वेंटी फोर सेवन में इस रिलेशनशिप को ऊपर लेके जाने की बात की गई तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा एक फ्यूचर है जहाँ दोनों कंसिस्टेंटली कोऑपरेट करते हैं क्वाड के अलावा जहाँ क्वाड में अफकोर्स फ्रांस मेंबर नहीं है बट उसके अलावा इंडिया एंड फ्रांस कीप ऑन यू नो हैविंग डिस्कशंस विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक ठीक है बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों के रिलेशनशिप इनफैक्ट फ्रांस कैन हेल्प काउंटर चाइना यह भी एक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इंडो uh, पैसिफिक में फ्रांस ने बार बार बोला है कि फ्री फेयर मूवमेंट होनी चाहिए uh, जो छोटी कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में उनकी अधिकार भी उनको मिलने चाहिए तो कहीं ना, कही, कही ना कहीं इंडो पैसिफिक में जो कोऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं काउंटर करता है चाइना के बेल्ट एंड रोड और मैरीटाइम इनिशिएटिव को फ्रांस रिप्लेसिंग रशिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप क्योंकि फ्रांस जो है वो उसका टोटल अब वो सेकंड नंबर पे आ गया है ओवरऑल डिफेंस पार्टनरशिप में रशिया नंबर वन फ्रांस सेकंड नाउ यूएस इज़ थर्ड तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड असिस्टेंस में बहुत मदद करता है फ्रांस फ्रांस में उतनी रिजिडिटी नहीं है इनफैक्ट एज यू नो एयरबस की भी अभी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कई कार्गो प्लेन्स की उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा है जैतपुर में उसके अलावा वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अभी सबमरींस की बात की वहाँ भी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इवन जेट इंजन्स के बारे में आई वाज टॉकिंग अबाउट तो फ्रांस हमेशा से मदद करता रहा है भारत को टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए और ट्रांसफर के लिए अगर आपने एक मूवी देखी होगी जो रॉकेटरी उसमें भी हमने देखा था कि जो भारत का अपना विकास इंजन है वो एक्चुअली भारत ने फ्रांस की मदद से बनाया क्योंकि फ्रांस में जाके उन्होंने उसको uh, टेस्ट किया चैलेंजेस क्या हैं इस रिलेशनशिप में तो फ्रेंच डिस्कम्फर्ट है विद यू एस चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी विच इंडिया डजन माइंड तो फ्रांस uh, को एक सेंस ऑफ यू नो यू एस की जो बहुत रिजिड पॉलिसी है चाइना को पोस्ट करना वो uh, भारत इनफैक्ट यू एस की पॉलिसी को कहीं ना कहीं इंटरनली सपोर्ट करता है बट फ्रेंच आर नॉट हैप्पी विथ द यूएस पॉलिसी तो यह हो सकता है कि भारत और फ्रांस में इस चीज पर डिफरेंसिस बने फ्रेंच डिफरेंट व्यूज ऑन बी बी आर आए बेल्ट एन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना तो वो कहीं ना कहीं अपोज नहीं करता बेल्ट एन रोड इनिशिएटिव को और भारत इस चीज को के अगेंस्ट है क्योंकि वह भारत की सोवरिटी को टारगेट करता है बेल्ट एन रोड इनिशियेटिव नो प्रोग्रेस इन सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट जयतापुर प्लांट की मैंने बात की Uh, करीब करीब पंद्रह साल हो चुके हैं ये प्लांट पे आज तक एक ईंट पीने लगी क्योंकि प्रोटेस्ट के कारण ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो ये चैलेंज बना हुआ है कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए प्रोजेक्ट को नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेंज ग्लोबल ऑर्डर फ्रांस एक इतना मजबूत देश नहीं है कि वो भारत को इतना सपोर्ट करे कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर यूएन ऑर्डर रीवैम्प कर सके ये भी एक चैलेंज है लो बायोलेटरल ट्रेड ट्रेड भी एक लेवल तक सीमित है जबकि यूएस हो जाए चाइना हो बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं या विद इन यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ बट इंडिया का बहुत माइनस एक है स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल मेजर्स इन यूरोप एक है जिसमें हमने अभी रिसेंटली सी बैम के बारे में भी सुना तो वो भी एक इंडिया के लिए चैलेंज है क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा उनकी उस मेजर्स को पॉलिसी को गाइडलाइंस को एंड वो पार्ट ऑफ यू है तो कोई भी डिस्कशन उसके साथ कहीं ना कहीं एक लिमिट तक की जा सकती है बिकॉज़ अदरवाइज कोई आ, कोई भी ट्रेड रिलेटेड होगी तो वो ई के साथ लेनी पड़ेगी तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है हमने सब एस्पेक्ट्स पे बात किया एक एस्पेक्ट है जो मैं चाहता हूँ आप देखिए वो है मैप अब हम फ्रांस को मैप पर देखेंगे और मैप पर क्लियर कट जब हम देख पा रहे हैं कि फ्रांस एक्चुअली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन में स्थित है जहाँ वेस्ट यूरोप में सब इम्पॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री स्थित हैं जिससे भारत रिलेशनशिप रखता है और ट्रेड करता है एक साइड पे अटलांटिक ओशन है और ये गेटवे है अमेरिकन ट्रेड के लिए इस राइट तो नॉर्थ में यूनाइटेड किंगडम है नॉर्थ ईस्ट में बेल्जियम नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और जर्मनी स्थित है ईस्ट में स्विट्जरलैंड और साउथ ईस्ट में इटली साउथ में मेडिट्रेन सी है और साउथ वेस्ट में स्पेन है तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जहाँ रिलेशनशिप में जियो पोलिटिकल एलिमेंट्स होते हैं तो रिलेशनशिप को हमेशा जोग्राफ़ी से भी समझने की ज़रूरत है तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था एंड में मैं दोबारा इस क्वेश्चन के साथ पास आऊँगा और इसके बारे में हम बात करेंगे तो कैसे ये भारत को बेनिफिट कर सकता है ये रिलेशनशिप जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात की डिफेंस में डिफेंस इन फ्यूचर रशिया को रिप्लेस किया जा सकता है फ्रांस के साथ एक बेटर पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ठीक है उन फ्रांस के पास न्यूक्लियर uh, इंजन जो है उसकी भी क्षमता है बनाने न्यूक्लियर uh, सबरीज सब बनाने की तो उससे मदद मिल सकती है तो डिफेंस एक नंबर वन है ठीक है इसके बाद कोऑपरेशन ऑन रेन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी मैं आज भी मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों फ्रांस एक ऐसा देश है जहां सेवेंटी परसेंट ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर तो भारत इससे बहुत फायदा ले सकता है ग्लोबल ऑर्डर uh, में भारत को सपोर्ट करना सपोर्ट इंडिया ठीक है तो ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं इसके अलावा हाउ इट कैन हेल्प इंडिया टू टेक इट्स प्लेस इन ग्लोबल ऑर्डर यही बात मैं कर रहा था अगर भारत इकोनॉमिकली सी इट इज़ अ ग्रोइंग कंट्री जिसकी कंसिस्टेंट सिक्स परसेंट प्लस ग्रोथ uh, है जी की तो अगर फ्रांस हमारे कोई भी मेजर हर्डल्स को uh, आने वाले टाइम में जैसे उसने पास्ट में उसको सपोर्ट uh, किया है भारत को तो उसको अगर सपोर्ट करता रहेगा तो वो हम उस हर्डल्स को क्रॉस कर पाएंगे मल्टीपोलर ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए इवन भारत का जो एजेंडा है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का उसको बहुत हेल्प मिल सकती है क्योंकि फ्रांस की एक बहुत uh, पेनिट्रेशन है अफ्रीका में तो अगर इंडिया और फ्रांस कोऑपरेट करेंगे तो भारत को अफ्रीका में भी काफ़ी मदद मिलने का स्कोप है इन लाइंस पे सोचिए हमेशा आंसर कहीं बुक से नहीं बट आपकी अंडरस्टैंडिंग से आता है तो अगर हम इन डायमेंशन में जाएंगे आपका यह आंसर बहुत ही एक वेल रिटन आंसर होगा तो यही हम ये टॉपिक को समाप्त uh, समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट